अपने जो नेता अपने बड़का ने भेज के देखो एक बार बॉर्डर पर की बल ड्यूटी हो है, मेरे भाई शहीद हो जाओगे, 10 लाख का चेक दे दिया थारे छोरे थे, हम 20 लाख का देंगे भाई। एक आदमी शहीद करवा के दिखाओ भाई, छोटा वापिस बढ़ाना चाहिए। और भाई हम तो यह उम्मीद करा, देखो गवर्नमेंट सपोर्ट ना करेगी तो फिर अपने कड़े तो सपोर्ट करोगे, अपने सपोर्ट जब तक करेंगे जब भाई आप एक दूसरे की गल खड़े। ऐतिहासिक गाँव मानरोठी में भी मौजूद है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, मानरोठी गाँव कहीं ना कहीं पहलवानों का ऐतिहासिक गाँव है, हर घर में एक पहलवान यहाँ मिल जाएगा। और आज हमें यहाँ मिले हैं छोटा दलाल, सोशल मीडिया पर काफी चर्चित चेहरे हैं छोटे दलाल, इनसे बातचीत करेंगे। छोटे भाई राम राम। सबसे पहला भाई सारे दर्शकान राम राम भाई, और भाई आपने भी राम राम बड़े भाई। छोटे भाई आज किस तरह के प्रोग्राम करवा रहे क्या भाई? आज जो प्रोग्राम करवा रखा है भाई, अपने सारे भाइयों ने मिल जुल गए। और भाई अगले एतवार ने भगत सिंह घर की याद में 3 तारीख ने हम दोबारा प्रोग्राम करवावा सारे भाई मिल के। तो भाई सारे भाई 3 तारीख ने इनवाइट है, सारे भाई आओ भाई। छोटे भाई एक पहलवाना के ऊपर एक सवाल पूछा है, काफी पहलवान है इस गाँव में भी, ये भाई भी है और प्रधान जी भी है। खेल कोटा बंद कर दिया राणा सरकार ने, जो खेल सपोर्ट कोटा था वो बंद कर दिया गया है। विजेंद्र सिंह थे अपने बॉक्सर, उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, तो खेल कोटा खत्म करने से खेल में जो खेल प्रेमी है और पहलवान है उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा? भाई देखो यह सरकार है या कुछ भी कर सके, लेकिन यह नहीं सोचती कि आम आदमी पे इस पर के बीतेगी। और पहलवान कोटा बंद करे तो भाई एक बात बताऊं, छोटी बात भाई, देखो पहलवान अपने घर तक बनाए, लेकिन घर तक जब बना भाई जब दूसरा भी भाई सपोर्ट करेगा कोई, और जब अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही तो गोल्ड मेडल की भी उम्मीद क्यों रखा है हमारे तक? एक तरफ गोल्ड मेडल की उम्मीद, दूसरी तरफ सपोर्ट कोटा बंद कर दिया, 2-3% था, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है ये भाई। नीयत तो आप सभी ने दिख है, मैं अपने मुँह तो क्यों बोलूँ भाई, सब ने बेरा भाई जब सपोर्ट कोटा बंद कर दिया तय तय काम बात है भाई। और भाई मारा बड़ा भाई बताओ अभी पहलवान जी, फिर ये गोल्ड मेडल और इस तरह मेडल उम्मीद किस तरह कर सके सरकार? हमारे प्लेयर जो है मेडल लेके आओगे, दूसरी तरफ सपोर्ट कोटा बंद। भाई मारा भाई वो मोटा है यो, ये सारी चीजा ने अपना देखा है, कोई नहीं आप भी बता दो इनते बुझ लेंगे। हां भाई वो मेरे भाई पूछो तो गलत कर रहा है यो सरकार ने बंद कर, वो मेरे भाई बहुत ज्यादा गलत कर रखे काम, क्योंकि प्लेयर का मनोबल तो टूट जाओ एकदम, मेहनत कर सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे थे जो प्लेयर, तो उनके बाद सीधा ना ना मेरे भाई कभी सही बात कह रहे हो आप, कभी भाई इस बात को तो बहुत ज्यादा वो भाई मेरे भाई टूट हौसला कम हो गया, हाँ कभी हौसला भाई कभी कम हो गया। तो प्रधान जी आप भी आगे ना जाओ, तो इस तरह का दूसरी तरफ सरकार वह भाई लूट रही है कि हरियाणा है मैं वो मेडल लेकर होगा, और जो अपना देसी समाज है, देसी जो भाईचारा है और देसी जो अपना एरिया बोलते हैं जिसको, उसमें स्पोर्ट में कबड्डी कुश्ती है स्पोर्ट थे, ज्यादातर मेडल आम किसान के बेटे लेकर आया करते, और उससे भी सीधा प्रहार करे और जो 3% था बंद कर दिया, क्या कहना चाहोगे सरकार से? ये कहना चाहोगे सरकार ते, पहले तो सरकार ने किसान मारे जो यो कानून ले आवे थे, गरीब पहलवाना की गैल लाग ली, पहलवाना के उम्मीद थी पहलवान बन जाओ कितने कितने नौकरी मिल जाएगी, इबू नवा नौकरी नहीं मिले वे क्यों पहलवानी करेगे भाई, ठीक वे बदमाश बनेगे और क्या करेगे, सरासर गलत करी सरकार भाई। उन्हें तो 3-2% जो भी था 5-7% करना चाहिए पहलवाना ताई, और 100 में 90% हरियाणा के है, और 90 में 50% मानरोठी के पहलवान साड़ है, गरगलिया पहलवान साड़ भाई, मारे दलाल खाप में अड़े दलाल 12 गांव से यार, यो दलाल भवन से जड़े प्रोग्राम होने लग रहा, और मनोबल बढ़ाना चाहिए सरकार ने, गिराना नहीं चाहिए। हम तो यही बात कहना चाहोगे सरकार तरवा, तो आप देखो सो कौन सी सरकार से या तानाशाही सरकार से, जो अंग्रेज तानाशाही कर रहे थे नहीं, वो या सरकार कर रही है भाई, धन्यवाद। फिर सरकार तो छोटे, अगर जो सरकार का नुमाइंदा सुन रहा हो तो क्या कहना चाहो हो, या कोटा जो खत्म कर रहे हो वापस बहाल कराना चाहो या बढ़ाना चाहो? भाई कोटा वापस बढ़ाना चाहिए, और भाई हम तो यह उम्मीद करा, देखो गवर्नमेंट सपोर्ट ना करेगी तो फिर अपने कड़े तो सपोर्ट करोगे, अपने सपोर्ट जब तक करेंगे जब भाई आप एक दूसरे की गल खड़े। तो भाई छोटे दलाल से बातचीत हुई है, और आपको बता दें मानरोठी गांव अभी भी मानरोठी गांव में मौजूद हैं, और छोटे भाई इस गांव में तो हर घर में एक प्लेयर है, कुश्ती में कबड्डी में ज़्यादातर इससे गांव तक निकल कर आ रहे हैं, इस पर क्या कहोगे, के वरदान है इस मानरोठी गांव में? भाई मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, तो सरकार तो नाराजगी होगी भाई, सरकार ने वोट चाहिए जब तक हम दिखा ना था भाई, फिर अपने एसी हम सो है। अच्छा वोट चाहिए तो दिखा नहीं था नहीं। सही बात हम कल का कहाँ भाई करते तो भाई छोटा भाई तो क्लियर बोल रहा है, वोट चाहिए तो हम दिखा नहीं था नहीं,
धन्यवाद भाई। और मेरा बड़ा भाई हाँ जी प्रधान जी के कहना था, एक लीमान रोटी में चार वही आम साड़ा से भाई, आप गांव के चुकड़ते कांट के देख लियो, कम तो कम से ना 250 बालक पहलवानी कराई, बूढ़े जाके देख लियो, दादा बूढ़े पे देख लियो, परेन देख लियो, तमान रोटी गांव बहुत बढ़िया गांव से, ये खाम गांव बदनाम करे से पहलवाना बिना इस देश में मारे कौन लड़े सीमा पर जाके पहलवान, ये तो अपना ऐसी चला कर अपने घर सो आराम से अरुड़े तड़के 37 मर गए भाई। तो कहीं अपने जो नेता अपने बालका ने भेज के देखो एक बार बॉर्डर पर केवल ड्यूटी हुआ है, मेरे भाई शहीद हो जाऊंगा, 10 लाख का चेक दे दिया थारे छोरे थे, 20 लाख का देंगे भाई, एक आदमी शहीद करवा के दिखाओ भाई। भाई कहीं ना कहीं सवालिया निशान है सरकार के ऊपर सीधा, छोटे दलाल नहीं बोला और पहलवान जी भी थे, और सरकार से हम भी अपील करते हैं, जो स्पोर्ट कोटा 3% था, खेल का कोटा जो प्लेयरों का था, मनोबल बढ़ाता था और कहीं ना कहीं मनोबल घटाने का काम करेगा, तो सरकार से हम भी अपील करते हैं कोटे को वापस दोबारा से लागू करे, और हम तो उम्मीद करते हैं बढ़ाए सरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ उम्मीद करते हैं मेडल लेके आए और दूसरी तरफ जो स्पोर्ट कोटा था बच्चों की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे कोई मेडल लाएंगे तो हमें सरकारी जॉब मिलेगी, वो जॉब अभी बंद कर दी गई है। विजेंद्र सिंह बॉक्सर ने अच्छा प्रदर्शन किया था भिवानी में, आप कुछ कहना चाहोगे जी? भाई बोला हाँ छोटे भाई, देखो मेहनत करा प्रदर्शन तक करा, मेहनत रंग लाओगी भाई, मेहनत रंग लेगा और पहलवाना ने क्या कहना चाहोगे भाई? पहलवाना ने आए चाहो भाई, सरकार कितना जुलम कर लो, अपने मेहनत करो भाई, कामयाबी एक दिन मिलेगी, तो मेहनत करोगे तो कामयाबी कहीं ना कहीं मिलेगी छोटे दलाल का भी। ठीक है भाई सारे भाई, राम राम भाई, हाथ जोड़ गए। तो छोटे दलाल हमारे साथ जुड़े हुए थे मांडोठी गाँव से, मैं प्रदीप।